एग्जिट पोल में बीजेपी की शानदार बढ़त को देख के एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं में उत्साह का माहौल बन गया है, तो वहीं मोदी के प्रशंसकों के बीच भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस बीच एग्जिट पोल के आंकड़ों को हकीकत में तब्दील करने के लिए पूजा पाठ भी शुरू हो गया। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां ज्ञान व्यापी के लिए लड़ाई लड़ रही ज्ञान व्यापी की महिला वादियों और पूरी टीम ने मोदी के जीत के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। बता दें कि इस दौरान वादी महिलाओं ने महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान और रुद्राभिषेक किया। पूजा के दौरान सभी ने बताया कि उम्मीद कर रहे हैं कि 400 के पार सीट पाकर एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी, जिससे न केवल पीओके बल्कि काशी और मथुरा का भी उद्धार होगा। डॉक्टर सोहन लाल ज्ञान व्यापी हिंदू पक्ष के पैरोकार और मथुरा के वादी। अभी सरकार बनी नहीं है, उसके पहले क्या आपको उम्मीद जगी है और क्या कामना कर रहे हैं? ये मोदी जी 400 पार जाएं, इसके लिए हम लोग बाबा महादेव मृत्युंजय महादेव में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ताकि उनकी कृपा से 400 जाएं, और 400 जाने के बाद जो हमारा लक्ष्य है, खास तौर से कई लक्ष्य, पहला अगर 400 पार जाते हैं तो काशी मथुरा और पीओके का उद्धार हो जाएगा, 400 के बाद जो वक्फ बोर्ड है उसका समापन हो जाएगा, और यह वक्फ बोर्ड इतना खतरनाक है कि 370 से ज़्यादा खतरनाक है, और तो और 29 राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का भी खात्मा हो जाएगा। ये जनपद बनारस में मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, एक त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा यहाँ पर बनाया गया है, आइसोलेशन कार्डन जिसमें ईवीएम्स रखे होते हैं और ईवीएम्स का मूवमेंट मतदान जो मतगणना रूम होता है वहाँ तक होता है, उसमें पैरामिलिट्री के जवान लगाए गए हैं, उसके बाहर पीएसी का एक घेरा है, और तीसरा घेरा हमारा सिविल पुलिस स्थानीय पुलिस का है। इसके अलावा 15 से अधिक क्यूआरटी टीम्स बनाई गई हैं जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम है। मतगणना स्थल पर रूफटॉप ड्यूटियां और स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है, पूरे मतगणना स्थल को बैरिकेटिंग के माध्यम से इस तरह से घेराबंदी उसकी की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के प्रवेश ना कर सके। जगह जगह DFMD लगाई गई है, और जो भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहा है, जो पोलिंग एजेंट्स, जो मतगणना के एजेंट्स हैं या सरकारी कर्मचारी जो इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, बिना चेकिंग के यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। मतगणना स्थल के अलावा शहर में किस तरह के इंतजाम हैं? उपद्रवी शहर में भी हो सकते हैं या कहीं भी हो सकते हैं? जनपद में धारा 144 लागू है, और कहीं पर भी इलीगल जमावड़े की या भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए हमारे थानाध्यक्ष, हमारे चौकी इंचार्ज और जो हमारे ACPs हैं, जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो लगातार भ्रमणशील हैं, और ऐसे तत्वों को हमने चिन्हित किया है जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, उन पर लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। जो हमारे थानाध्यक्ष हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अपनी गाड़ियों में दंगा नियंत्रण इक्विपमेंट्स जैसे बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट्स, लाठी, रबर बुलेट्स, ये सब लेकर के वो चल रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति का वो सामना कर सकें।